हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ सामा की पूरी जानकारी, जो कि इस प्रकार है। सामा तो सभी खेलते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि सामा किसकी बहन है, सामा का भाई कौन है और क्यों खेला जाता है सामा। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरी जानकारी जान लें। तो जानिए अब सामा की पूरी जानकारी कि सामा किसकी बेटी है, सामा का भाई कौन है। तो उक्त पुराण में वर्णित सामा की कथा का संक्षिप्त वर्णन इस तरह है कि सामा का नाम द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बेटी थी, जिसकी माता का नाम जामवंती था और भाई का नाम संबाल था। उसके पिता का नाम चक्रवाक था। सामा चकेवा पक्षी की जोड़ियों का आगमन शुरू होता है। भाई बहन सभी उसे खोजते मिथिला पहुँचते और वहाँ महिलाओं से अपने बहन भाइयों को श्राप से मुक्त कराने के लिए सामा चकेवा का खेल खेलने का आग्रह किया है। कहते हैं कि उसी द्वापर युग में से आज तक इसका आयोजन हो रहा है। तो अब जाने सामा चकेवा की कहानी। एक दिन चुगला नाम का एक व्यक्ति, जो श्री कृष्ण को झूठ बोला कि बोल दिया कि आपकी बेटी कोई साधु से मिलने जाती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण अपनी बेटी यानी सामा को श्राप देते हैं कि पक्षी बनने का। अब वो सामा रूपी पक्षी वृंदावन में ही रह जाती है। इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की पुत्री सामा और पुत्र चकेवा की क्या कहानी है जानें। सामा चकेवा को लेकर क्या मान्यता है? ऐसा मान्यता है कि सामा भगवान श्री कृष्ण की पुत्री थी, जो कि प्रत्येक दिन वृंदावन से जंगल में खेलने जाया करती थी। एक दिन चुगला नाम का एक व्यक्ति श्री कृष्ण को झूठ बोल दिया कि आपकी बेटी कोई साधु से मिलने जाती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण अपनी बेटी यानी सामा को श्राप देते हैं पक्षी बनने का। अब वो सामा रूपी पक्षी वृंदावन की जंगल में रहती है। एक दिन सामा के भाई चकेवा को पता चला कि जो मेरी बहन को चुगला ने चुगलपन करके श्राप दिलवा दिया था, वो भी उसी दिन तपस्या में बैठ गया और भगवान को प्रसन्न किया। फिर भगवान ने वर मांगने को कहा तो अपनी बहन को वापस मांग लिया। इसीलिए इस पर्व को भाई बहन के प्रेम और स्नेह के रूप में मनाया जाता है। हर एक बहन अपनी भाई की दीर्घायु की कामना करती है। सामा चकेवा का पर्व गांव में ही होता है, हम लोग शहर में भी मनाते हैं। झारखंड मिथिलांचल मंच के जानकारी प्रकोष्ठ द्वारा रांची के हरमू में क्रांति पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रांची के कोने कोने से मिथिलांचल मिथिलानी अपने बच्चों के संग डाला सजाकर करती है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पहले, दूसरे और तीसरे डाला को। सामा चकेवा की पौराणिक कथा इस प्रकार है। पौराणिकता एवं लौकिकता के इस लोक पर्व की कहानी कुछ यूं है। भगवान श्री कृष्ण की पुत्री श्यामा और पुत्र संभा के बीच अपार स्नेह था। श्री कृष्ण की पुत्री श्यामा ऋषि कुमार चारुदत्त से ब्याही गई थी। श्यामा ऋषि मुनियों की सेवा करने बराबर अपने आश्रमों में जाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण के दुष्ट स्वभाव के मंत्री चुरक को यह रास नहीं आया और उसने श्यामा की विरुद्ध राजा के कान भरना शुरू किया। क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण ने श्यामा को पक्षी बनने का श्राप दे दिया। श्यामा का पति चारुदत्त भी भगवान महादेव का पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न कर स्वयं भी पक्षी का रूप प्राप्त कर लिया। श्यामा के भाई एवं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र संभा ने अपनी बहन भाइयों की इस दशा से मर्मता होकर अपने पिता की आराधना करना शुरू कर दी। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वृंदावन मांगने को कहा। तब पुत्र ने अपने भाई बहन का मानव रूप को वापस लाने के लिए वरदान मांगने पर उन्हें बुरी सच्चाई का पता लगा और उन्हें श्राप मुक्त किया। उपाय बताते हुए कहा कि श्यामा एवं चारुदत्त रूपी चकेवा की मूर्ति बनाकर उसे गीत गाए और चूरक का
चूरक की कारजुगारियों को उजागर करे तो वो दोनों पुनः अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। भाई संभा उसे खोजते खोजते मिथिला पहुँचे और वहाँ की महिलाओं से अपने बहनोई को श्राप से मुक्त करने के लिए सामा चकेबा का खेल खेलने का आग्रह किया और कहते हैं कि उसी द्वापर युग से आज तक इसका आयोजन हो रहा है। तो ये थी सामा चकेबा की पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।